मोदी जी, आपको पता है गांधी जी टकले क्यों थे? क्यों थे रोनाल्डो भाई? क्योंकि उनके सर पे बाल नहीं थे ना। तो गाइस मोदी जी को तो रोनाल्डो के सवालों का कोई जवाब नहीं पता था, बट हाँ आज मुझे हमारे गेम के अंदर आने वाले ढेर सारे इवेंट्स के बारे में पता चला है। जैसे कि गाइस देखो, आज मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में बताऊंगा। जी हाँ गाइस, काफी सारे बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट वेपन रॉयल में कौन सा गन आएगा, तो आप लोग चिंता मत करो गाइस, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल का रिव्यू करवा दूंगा। और तो फिर गाइस देखो, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल के साथ साथ हमारे गेम के अंदर आने वाले एक अपकमिंग भूया पास का भी रिव्यू करवाऊंगा। हाँ भाई, पास का एक एक आइटम आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अरे ना ना गाइस, इतनी जल्दी वाव बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर तो मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग एक रिडीम कोड का भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देन तो गाइस और भी बहुत सारे अपकमिंग पेड इवेंट्स हैं, फ्री इवेंट्स हैं, जिनका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। एंड हाँ गाइस, इतने सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आज तो मैंने आप लोगों के काफी सारे फनी फनी कमेंट्स को भी पिक कर रखा है। अभी मजा आएगा ना वीडियो? नहीं नहीं भाई, आज की वीडियो में बस मजा नहीं, बहुत मजा आएगा। हाँ तो सरदार, खैर अभी आप लोगों के लिए मैंने इतना कमाल का वीडियो बना रखा है, तो चलो यार अभी हम लोग इस वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले अपकमिंग एक भूया पास के बारे में। जी हाँ, तो गाइस देखो, अभी हमारे गेम के अंदर चल रहा है जनवरी मंथ का भूया पास, और अभी इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को नेक्स्ट मंथ फरवरी का नहीं, बल्कि नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ मार्च के भूया पास का रिव्यू करवाने वाला हूँ, क्योंकि फरवरी मंथ के भूया पास का मैं रिव्यू तुम लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। जी हाँ, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो भूया पास गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, यही यार हमारे गेम के अंदर आने वाले मार्च मंथ का भूया पास, जहाँ पर हम लोगों को इसके लेवल 1 के अंदर तो एक प्रांग का स्किन देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे तो यार काफी सही लगा। हाँ, बढ़िया प्रांग का स्किन है, उम्मीद है गाइस आप लोगों को भी ये प्रांग का स्किन पसंद आया होगा। देन अभी तो गाइस आप लोग ये भूया पास के लेवल 10 के अंदर ये ग्रेनेड का स्किन देखो भाई, ये जब फट रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को एक फ्रॉग वाला कुछ एनिमेशन देखने को मिल रहा है। देन तो गाइस यार इसी भूया पास के अंदर हम लोगों को प्रीमियम वाली साइड में लेवल 10 के अंदर एक फीमेल बंडल देखने को मिल रहा है। एंड अगर गाइस अभी मैं आप लोगों को ये फीमेल बंडल के रिगार्डिंग अपने हॉनेस्ट रिव्यू दूं, तो भाई मुझे तो ये फीमेल बंडल काफी ज्यादा अच्छा लगा। हाँ यार, आप लोग खुद ही देखो, इसका अपर, इसका लोअर एंड हाँ इसका कलर, सब कुछ ही बहुत कमाल का है। सो राइट गाइस, उम्मीद है आप लोगों को भी हमारे इस भूया पास के अंदर अवेलेबल ये फीमेल बंडल पसंद आया होगा। तो अभी तो गाइस देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस भूया पास के लेवल 20 के बारे में, जहाँ पर बेसिकली एक अवतार आएगा, बट ये अभी अवतार डिजाइन नहीं हुआ है तो यहाँ पर है भी नहीं। बाकी खैर, तो गाइस देखो इस भूया पास के लेवल 20 के बाद हम लोगों को इस भूया पास के लेवल 30 के अंदर एक बहुत ही यूनिक सा इमोट देखने को मिल रहा है। हाँ गाइस, आप लोग खुद ही स्क्रीन में देखो यार, ये इमोट बहुत ही ज्यादा फनी और बहुत ही ज्यादा कमाल गए। पहले यार यहाँ पर एक फ्रॉग आता है, देन उस फ्रॉग के ऊपर हम लोगों को सवारी करने को मिलती है। लिटरली यार बहुत तगड़ा इमोट लगा यार मुझे तो ये। बाकी फिर तो गाइस देखो हम लोगों को इस इमोट के बाद इस भूया पास के लेवल 40 के अंदर एक टुकटुक का स्किन भी देखने को मिल रहा है, जिस टुकटुक के स्किन का रिव्यू आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। भाई टुकटुक का स्किन लेजेंडरी तो नहीं है, बट दिखने में ये भी ठीक ठाक लग रहा है। सो ऑलराइट गाइस देखो, अभी मैंने आप लोगों को ये भूया पास के लेवल 50 तक का तो रिव्यू करवा दिया है, तो उम्मीद आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आ रहा होगा। बाकी अभी तो गाइस हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस भूया पास के लेवल 60 के बारे में, जहाँ पर गाइस हम लोगों को एक बहुत ही यूनिक सा पैन का स्किन देखने को मिल रहा है। एंड यार ये पैन के स्किन के अंदर भी फ्रॉग वाला ही डिजाइन है, लिटरली गाइस हमारा ये मार्च मंथ का भूया पास पूरा फ्रॉग थीम का है। अभी गाइस आप लोग इस भूया पास के लेवल 60 के अंदर अवेलेबल बैकपैक देखो भाई, मुझे तो बैकपैक भी काफी सही लगा। जी हाँ गाइस, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों ही लेवल में बैकपैक काफी ज्यादा अलग अलग चेंजेस दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा फनी लग रहे हैं। सो ऑलराइट गाइस देखो, अभी मैंने आप लोगों को ये लेवल 50 के बैकपैक का रिव्यू करवा दिया, यहाँ पर पेन का स्किन भी दिखा दिया, इसलिए यार अभी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस भूया पास के लेवल 60 के बारे में। तो गाइस देखो, बेसिकली हम लोगों को इस भूया पास के लेवल 60 के अंदर एक अवतार मिलेगा, और भाई जो मैंने पहले बैनर के बारे में बताया था, सेम अवतार का भी वैसा ही सीन है। अवतार अभी डिजाइन नहीं हुआ है तो यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए गाइस सीधा अभी हम लोग यहाँ पर से आगे निकलते हैं और बात करते हैं इस भूया पास के लेवल 70 के अंदर अवेलेबल ये मैक 10 के स्किन के बारे में। भाई लिटरली यार ये मैक 10 का स्किन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी हाँ गाइस देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मैक 10 का स्किन लेजेंडरी है, और भाई तुम लोग इसका लुक देखो, इसका लुक भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट क्योंकि यार गन के लुक के साथ साथ उसके एट्रीब्यूट्स भी जरूरी है, अभी हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स भी देख लेते हैं। जी हाँ, तो गाइस देखो हम लोगों को ये मैक 10 के स्किन के अंदर डबल रेंज सिंगल मूवमेंट स्पीड प्लस देखने को मिल रही है, साथ ही साथ गाइस यहाँ पर रिलोड स्पीड माइनस में है। तो बेसिकली गाइस देखो हम लोगों को यहाँ पर डबल रेंज प्लस देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि हम लोग दूर से ही काफी अच्छा डैमेज दे पाएंगे। बट गाइस यहाँ पर रिलोड स्पीड माइनस में देखने को मिल
मिल रही है। एक तरीके से यार ये मैक 10 का स्किन एट्रीब्यूट वाइज तो बैलेंस हो जा रहा है, बट हाँ लुक वाइज तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सौ बोर्ड के बारे में, जो सौ बोर्ड यार इस बुया पास के लेवल 80 के अंदर अवेलेबल है। और बेसिकली गाइस अगर मैं आप लोगों को इस सौ बोर्ड के रिगार्डिंग अपने हॉनेस्ट रिव्यू दूं, तो गाइस देखो ये एक लेजेंडरी सौ बोर्ड है और साथ ही साथ इसके ऊपर से जो इफेक्ट वगैरह आ रहा है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए तो गाइस मुझे तो ये सौ बोर्ड पसंद आया। बाकी आप लोग भी गाइस अभी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सौ बोर्ड कैसा लगा। बाकी खैर अभी तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बुया पास के लेवल 91 के अंदर अवेलेबल ये लूट बॉक्स के बारे में। भाई ये लूट बॉक्स भी बहुत तगड़ा है, क्या ही मस्त फ्रॉग ने एक फ्लावर पकड़ा हुआ है। लिटरली गाइस बहुत ही ज्यादा यूनिक एक लूट बॉक्स है, उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये लूट बॉक्स पसंद आया होगा। देन फिर तो गाइस हम लोगों को इस लूट बॉक्स के बाद इस बुया पास के लेवल 100 के अंदर एक बहुत ही कमाल का मेल बंडल देखने को मिल रहा है, जिस मेल बंडल का रिव्यू आप लोगों ने स्क्रीन में देख ही लिया होगा। बाकी अगर यार अभी मैं आप लोगों को इस मेल बंडल के रिगार्डिंग भी अपने हॉनेस्ट रिव्यू दूं, तो देखो गाइस मुझे तो ये मेल बंडल बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। यार मैं इस बंडल की क्या ही तारीफ करूं, आप लोगों के सामने है बंडल, बहुत कमाल का लग रहा है। बाकी अभी गाइस देखो हम लोगों ने इस बुया पास का रिव्यू लेवल 100 तक कर लिया है। एंड हाँ मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अब यार हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट मंथ फरवरी से जितने भी बुया पास आएंगे सारे ही बस लेवल 100 तक रहेंगे, इसलिए गाइस ये बुया पास का रिव्यू भी बस लेवल 100 तक का ही था। उम्मीद है यार आप लोगों को बुया पास पसंद आया होगा। और खैर वैसे गाइस अभी काफी सारे बंदे सोच रहे होंगे कि यार ये तो हो गया हमारे मार्च मंथ का बुया पास, अब जरा एक बार फरवरी मंथ का भी बुया पास दिख जाता तो बढ़िया रहता। सो ऑलराइट गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मार्च मंथ का बुया पास का रिव्यू तो करवा दिया है, बट इससे पहले ही यार मैं फरवरी मंथ के बुया पास का रिव्यू अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देख लो, देन आप लोग आज के वीडियो के पिन कमेंट से नेक्स्ट मंथ फरवरी का बुया पास भी देख सकते हो। तो फाइनली गाइस देखो अभी तो हम लोग फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात करते हैं गाइस अपकमिंग एक रिडीम कोड के बारे में। जी हां, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में रिडीम कोड का पोस्टर देख ही पा रहे होंगे। और वैसे गाइस अगर मैं आप लोगों को इस पोस्टर के अकॉर्डिंग बताऊं तो हम लोगों को यार इस बार 26 जनवरी के दिन सेलिब्रेट रिपब्लिक डे नाम से एक रिडीम कोड देखने को मिलने वाला है, जो रिडीम कोड गाइस टायर 1 टायर 2 और टायर 3 में डिवाइड रहेगा। यानी कि गाइस देखो 26 जनवरी को एक नहीं बल्कि करीना तीन रिडीम कोड का अनाउंसमेंट करेगा, जिसमें से गाइस पहले रिडीम कोड के अंदर होगा लॉल इमोट, दूसरे रिडीम कोड के अंदर रहेगा 1 पंचमैन एमिडिनिटी 7 का स्किन, एंड गाइस लास्ट हम लोगों को तीसरे रिडीम कोड के अंदर से ये गोल्डन शेड बंडल मिलने वाला है। भाई कसम से यार ये रिडीम कोड के तीनों ही रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बट गाइस क्या आप लोगों को पता है ये रिडीम कोड में करीना ने एक ट्विस्ट रख रखा है, वो ट्विस्ट ये है कि गाइस ये रिडीम कोड बस 10,000 लोगों को मिलेगा। हाँ मतलब कि गाइस जैसे ही करीना एक रिडीम कोड को अनाउंस करेगा तो उस अनाउंसमेंट के बाद जैसे ही 10,000 बंदे रिडीम कोड को रिडीम कर लेंगे तो भाई वो रिडीम कोड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि गाइस देखो करीना हम लोगों को 3 रिडीम कोड देने वाला है, तीनों ही रिडीम कोड की वैलिडिटी 10,000 लोगों के लिए होगी, बेसिकली 30,000 बंदों के लिए रिडीम कोड है। अब खैर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बंदा शायद तीनों रिडीम कोड को रिडीम कर ले, बट करीना ने गाइस अपनी तरफ से 30,000 बंदों की लिमिट दे रखी है। तो अब गाइस देखो रिडीम कोड इतना कमाल का है और एक रिडीम कोड की वैलिडिटी बस 10,000 लोगों की है, इसलिए गाइस देखो आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप लोग रिडीम कोड को मिस नहीं करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को रिडीम कोड एकदम टाइम से मिले, तो सिंपली गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हाँ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि गाइस करीना जैसे ही रिडीम कोड अनाउंसमेंट करेगा मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर रिडीम कोड दे दूंगा। हाँ यार आप लोग बस सब्सक्राइब कर लो, मेरी गारंटी है कि गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले रिडीम कोड दिलवाऊंगा। सो फाइनली गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को 26 जनवरी स्पेशल रिडीम कोड का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है और हाँ अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। बाकी अभी तो गाइस फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है यार हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला नेक्स्ट वेपन रॉयल। हाँ तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, अभी के टाइम पे यार हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ये ग्रोजा का वेपन रॉयल अवेलेबल है, जो कि यार अब बस 5 दिनों के बाद हमारे इंडिया सर्वर के अंदर से रिमूव होने वाला है। और गाइस ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे गेम के अंदर जैसे ही एक वेपन रॉयल रिमूव होता है तो उसी टाइम पे हम लोगों को हमारे गेम के अंदर एक दूसरा नया वेपन रॉयल देखने को मिल जाता है। इसलिए गाइस जब 5 दिनों के बाद हमारे गेम के अंदर ये वेपन रॉयल रिमूव होगा, देन हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर एक ऑक के स्किन का वेपन रॉयल देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो ऑक का स्किन गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, भाई यही वो ऑक का स्किन है जो कि हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट वेपन रॉयल में देखने को मिलेगा। कसम से यार लुक वाइज तो ये ऑक का स्किन बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी यार अगर हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यार इस वेपन रॉयल के अंदर हम लोगों को डबल रिलोड स्पीड और सिंगल रेंज प्लस देखने को मिलेगी, साथ ही साथ गाइस यहाँ पर मूवमेंट स्पीड माइनस में रहने वाली है, जो कि यार मेरे अकॉर्डिंग तो गाइस नॉर्मल ही एट्रीब्यूट्स है। बाकी गन स्किन भी मुझे उतनी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं लगी, बट क्योंकि तो गाइस करीना हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट वेपन रॉयल में यही वाला ऑक का स्किन देने वाला है, तो मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू करवा दिया। उम्मीद है गाइस आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट वेपन रॉयल पसंद आया होगा। बाकी खैर तो गाइस देखो अभी मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले नेक्स्ट वेपन रॉयल का रिव्यू करवा चुका हूँ, साथ ही साथ और भी बहुत से इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। इसलिए गाइस अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में, जिन कमेंट्स को मैंने कल के वीडियो से पिक कर रखा है। हाँ तो गाइस देखो यहाँ पर जो हमारा
सबसे पहला कमेंट है। इस कमेंट में बंदा लिखता है, उज्जवल भाई आपका वीडियो इतना अच्छा लगता है कि वीडियो स्किप करने का मन ही नहीं करता। हाय हाय। अरे थैंक यू भाई, बहुत ही अच्छा कमेंट है, पढ़ दे यार, मेरा मन करा इसको स्क्रीन में दिखाने का, तो मैंने दिखा दिया। बाकी अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले कमेंट की। जिस कमेंट में बंदे ने लिखा है, MP40 के वार से ना वुडपीकर के डहार से बंदा डरता है तो ड्रैगन की मार से। हाँ भाई सही बात है, ड्रैगन से सब कोई डरते हैं, बट यार अपडेट के बाद ड्रैगन की भी बैंड बजने वाली है, तो अब ज्यादा टेंशन मत लो और स्क्रीन में अगला कमेंट पढ़ो। जिस कमेंट में बंदे ने लिखा है, खाना है तो आलू के पराठे खाओ, कि खाना है तो आलू के पराठे खाओ, जान प्यारी है तो घर से बाहर मत जाओ। सही बात है भाई, आजकल ठंडी इतनी पड़ रही है कि घर ही में रहना सही है। खैर अभी गाइस आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो, बट अगला कमेंट तो पढ़ सकते हो। जिस कमेंट में यार ये बंदे ने लिखा है, मेरा कमेंट स्क्रीन पर दिखा दो प्लीज उज्जवल भाई। एंड यार इस बंदे ने बहुत सारे रोने वाले इमोजीज भी कमेंट करे थे, तो यार देखो मैंने इस बंदे का कमेंट स्क्रीन पर दिखा दिया है। बाकी क्योंकि तो गाइस अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो चुका है, तो हम लोग ये कमेंट्स के सिलसिले को यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोग चिंता मत करो गाइस, कल भी मैं आप लोगों के ऐसे बहुत सारे कमेंट्स को पिक करूंगा, तो इसलिए गाइस आज आप लोग भी ढेर सारे कमेंट्स करना, हां कम से कम 6-7 कमेंट तो कर ही देना। बाकी अब मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।